हेलो दोस्तों, मैं अपने सेमिनार में हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ एक पेड़ काटने वाले की। एक पेड़ काटने वाला अपने जंगल में काम कर रहा था और 7 दिनों तक काम करते करते फिर भी उससे कुछ पेड़ नहीं कट रहे थे। तो वो जंगल के मालिक ने उसको पूछा कि इतने दिनों बाद तुम मेहनत तो कर रहे हो, तुमसे पेड़ क्यों नहीं कट रहे। तो पर्सन अपने मालिक को कहा कि देखिए ना सर, मैं अपने जीवन में अपने जंगल में मेहनत तो कर रहा हूँ पर इससे मेरे को इतने पेड़ कटते नहीं है। तो मालिक ने उसको पूछा कि क्या तुमने ये 7 दिन के शेड्यूल के अंदर कुछ पेड़ काटने के सिवाय क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार निकाली है। तो इंसान ने बोला कि अरे, पेड़ काटने में मैं इतना मशहूर हो गया कि मुझे कुल्हाड़ी की धार निकालना है वो तो याद ही नहीं रहा। हाँ दोस्तों, जैसे वो पेड़ काटने वाला अपने काम में जो गलतियां कर रहा था वैसे ही गलतियां कुछ हम अपने जीवन में करते हैं। हम भी अपने जीवन में मेहनत तो करते हैं पर क्या वो मेहनत से हमें जो सफलता चाहिए क्या वो मिलती है। तो हमारे जीवन में मेहनत करना जितना इम्पोर्टेंट है, हार्डवर्क करना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा जरूरत है अपना स्मार्ट वर्क करना। तो अपने स्किल को बेटर बनाना, अपने स्किल को डेवलप करना, वो उससे भी ज्यादा जरूरत है। देखिए, ऊपर वाले ने हमें 2 पावर्स दिए हैं, एक है हमारे बॉडी का पावर और दूसरा है अपने माइंड का पावर। क्या हम अपने जीवन में इन 2 पावर्स को, स्किल को डेवलप करते हैं, क्या हम इनको शार्प करते हैं। आप अपने आप को कोरिलेट करके देखिए कि लास्ट आपने अपने माइंड और बॉडी को कब रिचार्ज किया था, कब शार्प किया था। अब बॉडी को शार्प करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, एक अच्छा खाना, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा रेस्ट। पर आप अपने आप को कोरिलेट करके देखो, अपने फूड के टाइप को देखो, क्या आप कैसा फूड खा रहे हो, क्या आप हर रोज एक्सरसाइज करते हो और क्या आप अपने बॉडी को रेस्ट लेने के लिए कोई नई काम करते हो। क्यों रुके,